दोस्तों, घर की यह पांच चीजें भूलकर भी कभी किसी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री घर की ये पांच चीजें दूसरों को देती है तो उसके घर से मां लक्ष्मी रूंठ जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी पांच चीजें हैं जिन्हें दूसरों को देने से मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं और उसके घर में गरीबी के बादल छा जाते हैं। तो दोस्तों, कौन सी हैं वो पांच चीजें, आइए जानते इस प्राचीन कथा के माध्यम से। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते हुए वहां पर आते हैं। देवर्षि नारद का आगमन सदैव ही मंगलकारी माना जाता है और जब वे भगवान श्री कृष्ण के पास आए तो उनका स्वागत अत्यंत हर्ष के साथ किया गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद, आज आपका हमारे यहाँ आगमन का क्या कारण है? तब देवर्षि नारद ने विनम्रता पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हे माधव, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है और मेरी इस शंका का निवारण सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर मुझसे कहिए, आपकी शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे माधव, वो कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें एक पतिव्रता स्त्री को अपने घर से किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए और वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें दूसरे को देने से मां लक्ष्मी रूंठ जाती हैं और घर में दरिद्रता आ जाती है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है तो मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से और पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है, मां लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु, आप कथा को आरंभ कीजिए, मैं कथा को पूरा और मन लगाकर सुनूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं, एक समय की बात है, मध्यकाल में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सरिता नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सरिता एक पतिव्रता स्त्री थी जो हमेशा सत्य धर्म का पालन करती थी तथा गृह कार्य में निपुण थी। सरिता का स्वभाव अत्यंत विनम्र और दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सरिता का पति आलोक एक वैश्य था। उसकी एक मिष्ठान की दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत के हिसाब से मिठाइयां बेचा करता था। सरिता अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सरिता हमेशा घर के अन्य सदस्यों से पहले जागा करती और अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को साफ स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल अर्पित किया करती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म किया करती थी। भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए देवर्षि नारद से कहते हैं, सरिता ने कभी भी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सरिता को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सरिता दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं रखती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता वह उसे दान दक्षिणा दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर जाते थे। इतना ही नहीं, सरिता अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, सरिता उन्हें भी वह नित्य भोजन और जरूरत की चीजें दिया करती थी। पड़ोसियों को जो जो चीजें लगती सरिता बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सरिता के पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे। वे कहते थे, यह सरिता तो साक्षात देवी का रूप है। मां अन्नपूर्णा ने साक्षात सरिता के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सरिता की प्रशंसा करते तो वे सभी उसके विषय में अच्छी ही बातें किया करते थे। लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सरिता ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर
और सम्मान से ही बातें किया करती थी। भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, एक दिन की बात है, सरिता की एक पड़ोसन उसके घर आती है और उससे कहती है, हे सरिता बहन, आज मेरे घर बहुत से रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास से रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी, मेरा कार्य हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। तब सरिता कहती है, हे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर सरिता रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया, मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा दूंगी। सरिता कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है, जब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सरिता का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद एक और स्त्री सरिता के घर पर आती है और सरिता से कहने लगी, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ, यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके जल्दी ही तुम्हें तुम्हारा झाड़ू लौटा दूंगी। सरिता बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है, तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर सरिता घर के अंदर जाती है और झाड़ू लाकर उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सरिता के घर से झाड़ू लेकर चली जाती है और फिर कुछ देर बाद एक और स्त्री सरिता के घर पर आती है और वह भी सरिता के घर कुछ वस्तु मांगने के लिए ही आई थी। तब सरिता उस स्त्री से कहती है, हे बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सरिता बहन, तुम बड़ी दयालु हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। तब सरिता बोली, हे बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो भी वस्तु चाहिए मांग लो, यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहने लगी, हे सरिता बहन, आज मेरी बेटी को लड़के वाले देखने को आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूँ, मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहने नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूँ, उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले मेरी बेटी को देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की यह बात सुनकर सरिता कहती है, हे बहन, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी, मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सरिता घर के अंदर जाती है और अंदर से गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सरिता के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम का समय हो चुका था, तब एक और पड़ोसन सरिता के घर आती है और सरिता उस स्त्री से कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आगमन हुआ है, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ, तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह पड़ोसन कहने लगी, हे बहन, सरिता तुम बड़ी ही दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे द्वार पर आई हूँ, मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी, अगर थोड़ा सा दूध हो तो दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब सरिता कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। सरिता रसोई में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता पूर्वक उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सरिता अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर के कार्य करने लगती है। फिर रात होते ही उसका पति आलोक घर पर लौटता है। सरिता अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक सोते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिलती है।
एक आदमी दौड़ते हुए सरिता के घर आता है और सरिता के पति आलोक से कहता है, हे भाई गजब हो गया, कल रात किसी ने आपकी दुकान लूट ली और सारा माल गायब है। सरिता का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह बहुत दुखी हो जाता है और निराश होकर घर पर लौटता है और सरिता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सरिता बहुत दुखी हो जाती है। फिर सरिता कहती है, आप चिंता ना कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिससे आप फिर से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सरिता अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा धन अब चोरी हो चुका था। यह देखकर सरिता बहुत दुखी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। सरिता का पति उस पर बहुत क्रोधित होता है और पूछता है, सरिता सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा धन कहाँ गया? तो सरिता कहती है, हे स्वामी, मैं घर पर ही थी और सारा धन तिजोरी में ही रखा हुआ था, परंतु उसे किसने चुरा लिया पता नहीं। सरिता कहती है, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। तो सरिता का पति कहने लगा, यह जो तुम दूसरे अनजान लोगों को घर में बुलाती हो ना, यह सब उसी का फल है। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा धन चुरा लिया है। और गुस्से में आकर सरिता का पति उसे भला बुरा कहने लगता है। सरिता की सास भी उसके पास आती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो और बिना सोचे समझे किसी की भी मदद कर देती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा धन चुरा लिया है। घर के सभी सदस्य सरिता को भला बुरा कहने लगे। फिर सरिता अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दे दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सरिता उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है और देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सरिता के गहने लेकर भाग गई थी। सरिता निराश होकर घर वापस आती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सरिता की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो गया और सरिता को भला बुरा कहने लगा। सरिता का पति कहता है, हे सरिता, तुम बड़ी ही मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आ गई है। अब तू इस घर में नहीं रहेगी, तू अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर चली जा। तब सरिता कहती है, हे स्वामी, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊंगी। तो सरिता का पति आलोक कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती है, तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, और अब तू इस घर में रहेगी तो जो कुछ भी बचा कुचा है सब नष्ट हो जाएगा। सरिता अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती है, हे स्वामी, ऐसा ना बोलिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझ दासी को आप घर से मत निकालिए। परंतु सरिता का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौट कर मत आना, चाहे तो किसी नदी या तालाब में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, यहां से कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। तो देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा को जारी रखिए, मैं कथा को ध्यान से सुनूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सरिता दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है और वहां से सीधे सरिता माता लक्ष्मी के मंदिर पहुंच जाती है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताइए, माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सरिता वहीं पर बैठकर सोचने लगी, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की यह दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सरिता अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगी और नदी के पास जाकर सरिता माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगती है और कहती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ, यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर सरिता नदी में कूदने ही वाली थी कि तभी साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है और माँ लक्ष्मी सरिता से कहती हैं, रुक जाओ सरिता पुत्री, तुम यह क्या करने जा रही हो। सरिता आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सरिता बहुत प्रसन्न हो गई और माँ को सादर नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। तब माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री सरिता, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह पाप नहीं बल्कि महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर तुम्हें प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सरिता कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए, मैं अपने पति से बिछड़कर जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसी कारण से मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। तो माँ लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है, तुमने अनजाने में कुछ ऐसा चीजों का दान किया है जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है उनके घर में मेरा वास नहीं होता है, मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सरिता कहती है, हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए मैंने कौन सी वस्तुओं का दान किया है जिस कारण से आप मेरे घर को छोड़कर चली गईं। तब माँ लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को भूलकर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे पुत्री, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो जाती है और फिर दोबारा इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए सरिता, तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली सबसे बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू भी दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। हे पुत्री, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर को स्वच्छ किया जाता है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना सरिता, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार तथा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। तब सरिता कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव
और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर मां लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गईं। फिर सरिता भी मां लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गया और सरिता के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सरिता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था, तुम तो साक्षात देवी के समान हो। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें हमारा सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। यह सुनकर सरिता बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति के साथ घर पर लौट गई। मां लक्ष्मी की कृपा से सरिता के घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई और उसके बाद से सरिता ने अपने घर की यह चार चीजें कभी दूसरों को नहीं दी। भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, मेरी कथा समाप्त हुई और उम्मीद करता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुंह से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गया और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करते हुए वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको भी यह कथा पसंद आई।